ओके सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डीमन किंग गेमिंग की कूल ब्रांड न्यू वीडियो में। जहां गाइस आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं अपना नया जो सिस्टम आया पूरा का पूरा पॉपुलैरिटी वाला, जो भी मतलब मैंने वाला सीन आया उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैंने टाइम को वेस्ट करें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो करो हमारा। सो गाइस, ये जो नया का नया सिस्टम है इसकी वजह से तुम लोगों को लाइक्स की जगह पॉपुलैरिटी का यहाँ पे एक जो है सेक्शन देखने को मिल जाएगा। किसी टाइम पे यहाँ पे नीचे लाइक्स लिखा हुआ करता था, बट अब यहाँ पे ये पॉपुलैरिटी हो चुका है। बट तुम लोग अभी भी लाइक्स दे सकते हो, इसकी बात इसकी वो मत करना भाई, टेंशन मत लेना कि लाइक्स नहीं दे सकते। लाइक्स तुम लोग अभी भी दे सकते हो, बट साथ साथ तुम कुछ जो है पॉपुलैरिटीज़ भी दे सकते हो। अब देखा जाए तो हमारे पास कई अलग अलग तरह की जो है पॉपुलैरिटीज़ हैं, जैसे कि ये चप्पल वाली और साथ में साथ बाद में दिल वाली और एक गुलाब वाली, रोज़ वाली, यानी ये रोज़ वाली पॉपुलैरिटी है, और साथ में साथ कैपेचिनो वाली, एक है कैबेज डो, साथ में साथ एक है चीयर्स वाली, और उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर लव बलून वाली पॉपुलैरिटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ये स्टेरी फायरवर्क्स, और हम लोगों को देखने को मिल जाता है सी क्रेसर, और साथ हम साथ लक्जरी योच, और एक जो है स्काई रॉकेट करके। हम लोगों को ये सारी की सारी पॉपुलैरिटीज़ देखने को मिल जाती है, और इनके प्राइजेस भी हम लोगों को इस पॉइंट पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है अपना वो ये जो दिल वाली जो अपनी पॉपुलैरिटी, ये एक गोल्ड स्टार की है, और इसमें हम लोगों को पॉपुलैरिटी 10 मिलेगी, बट अपने बॉन्ड वाले जो पॉइंट है वो नहीं बढ़ेगा। बट वहीं पे अपने को स्लिपर वाली भी जो है एक गोल्ड स्टार की दिखती है, बट हमें इसके साथ बॉन्ड कोई भी नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इसके बाद आई थी रोज़ वाली, जिसकी मदद से हमारे जो है 2 बॉन्ड पॉइंट्स बढ़ते हैं और साथ हम साथ 100 पॉपुलैरिटी, और फिर आ जाती है कैपेचिनो वाली जो कि 20 गोल्ड स्टार्स की, और हम लोगों को इसमें 200 पॉपुलैरिटी और 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है कार्बेज डॉग, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 60 गोल्ड स्टार्स का देखने को मिल जाता है, और इसकी मदद से हमारी टोटल जो है 600 पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और साथ हम साथ 12 पॉन्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे चीयर्स वाले देखने को मिल जाते हैं, जो भी 60 गोल्ड स्टार्स का, जिसकी मदद से हमारी जो है 600 पॉपुलैरिटी और साथ हम साथ 12 बॉन्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद आता है अपना लव बलून, जो कि हम लोगों को 300 गोल्ड स्टार्स का देखने को मिल जाता है, और हम लोगों को इसमें जो है 3000 पॉपुलैरिटी और 60 जो है बॉन्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेरी फायरवर्क्स, जिसके साथ हम लोगों को जो है 6000 पॉपुलैरिटी और 240 बॉन्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाता है, बट इसका प्राइस यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है स्ली क्रेसर, जो कि टोटल 1200 गोल्ड स्टार्स का है, और इसके साथ हम लोगों को एक नेम बॉक्स भी देखने को मिलता है, और उसके साथ 12000 पॉपुलैरिटी और 240 बॉन्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है लग्जरी, और जिसका प्राइस है टोटल 2000 गोल्ड स्टार्स, और हम लोगों को इसके साथ भी एक नेम बॉक्स देखने को मिल जाता है, और उसके साथ 20000 पॉपुलैरिटी और 400 बॉन्ड पॉइंट्स भी हम लोगों को इस पॉइंट पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है स्काई रॉकेट, जिसका टोटल प्राइस 5000 गोल्ड स्टार्स, और हम लोगों को इसमें ग्लोबल अनाउंसमेंट साथ हम साथ जो है हम लोगों को ये वाला एक जो है नेम बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, और हम लोगों को यहाँ पे 50000 पॉपुलैरिटी और 1000 बॉन्ड पॉइंट इस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे प्राइजेज हैं, और इन सब के फायदे तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल लेंगे। तो मैं अब तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आखिरकार तुम लोग कैसे गिफ्ट कर सकते हो। तो तुम लोगों को बेसिकली आना है किसी भी बंदे की प्रोफाइल पर, यहाँ पे गिफ्ट वाले ऑप्शन पे आके तुम लोगों को अपना गिफ्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। तुम लोगों को यहाँ पे गिफ्ट के प्राइजेस भी देखने को मिलने होंगे, और तुम लोग जो है जो सा चाहे वो सा गिफ्ट जो है यहाँ पर सेंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये रोज़ है, ये स्लिपर है, और साथ हम साथ हार्ट है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पर एक चप्पल वाली पॉपुलैरिटी भेज दी जाए। अब ये जो है पॉपुलैरिटी तुम्हारे पास आई है या सामने वाले के पास गई है, ये तुम लोग कैसे देखोगे वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सो बेसिकली तुम्हारे पास जो है एक पूरा का पूरा पॉपुलैरिटी वाला सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास अब तक कितनी पॉपुलैरिटीज़ आई हैं और किस किस टाइप की पॉपुलैरिटीज़ तुम्हारे पास इस पॉइंट तक आई हैं। इसके बाद एक नया सिस्टम है जिसकी मदद से तुम लोग जो है निब्बा निब्बी वाला पना कर सकते हो, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आखिरकार क्या है।
सो बेसिकली ये जो स्पेशल चीज़ है सीपी, ये तुम लोगों को निब्बा निब्बी के लिए देखने को मिलेगा। जब तक अपनी आईडीज मेंशन करते थे वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके ये कपल्स वाला जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ तुम एक ही बंदे को अपने साथ ऐड कर सकते हो। तुम लोग क्या करो, यहाँ पे क्लिक जो है करके तुम लोग किसी भी बंदे को ऐड कर सकते हो। बस तुम्हारा उसके साथ जो है अपना बॉन्ड पॉइंट 100 होना चाहिए। उसके बाद एक पार्टनर का सेक्शन आ जाता है जिसमें तुम लोग 4 बंदे ऐड कर सकते हो। फिर आता है एक बड़ी का सेक्शन जिसमें तुम लोग 4 बंदे ऐड कर सकते हो। फिर आता है बेस्टी का सेक्शन जिसमें भी तुम लोग टोटल 4 बंदे ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के लिए तुम लोगों को सिर्फ उसे प्लस वाले बटन पर दबाना है और उसके बाद जाना है तुम लोगों को यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट पार्टनर भेज देना है। बस उसके लिए तुम्हारा और सामने वाले का जो बॉन्ड पॉइंट है वो कम से कम 100 बॉन्ड पॉइंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम लोग जो है एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट या जो भी है वो सब नहीं भेज पाओगे। तुम लोग सोचोगे कि भाई आखिरकार ये रिलेशनशिप वाली जो है पार्टनर रिलेशनशिप या वो बड़ी रिलेशनशिप, इस सब का फ़ायदा क्या है, तो मैं तुम लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो गाइस इसका फायदा ये है कि हम लोगों को लीडर बोर्ड में ये वाली नई चीज़ देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जो है हम लोगों को यहाँ पे बॉन्ड्स देखने को मिलता है जिसमें सबसे पहला सीपी बॉन्ड होता है और तुम लोग देख सकते हो कि आखिरकार इसमें हम लोगों को ये दोनों के दोनों लोग किस टाइप से देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी इसमें जो है सी वाले बंदों ने ऑलरेडी बहुत ही बकलोली कर ली, मतलब बहुत ही अमीरी अपनी दिखा ली। 1.66 के तक अपने लोगों ने बॉन्ड बना लिया निब्बा निब्बियों ने, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और ये कुछ इस टाइप का तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा। सिर्फ इतने नहीं, तुम लोगों को सिर्फ कपल्स वाले इसमें नहीं है, इसमें तुम्हारा तुम लोगों को पार्टनर पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे और साथ में साथ नीचे बड़ी पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे और बेस्टी पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे और सबके पोजेस अलग अलग होंगे। सो गाइज ये तो था अपना पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन अपना नया पॉपुलैरिटी सिस्टम वाला। अब बेसिकली ये जो पॉपुलैरिटी सिस्टम है ये अपने तुम लोग अभी तो प्रोफाइल पे जाके दे सकते हो, बट अपने सुपरसेस चाइना में जो था उसमें कुछ ऐसा था कि तुम लोग जो है मीटिंग के बीच में भी दे सकते हो, बट इसमें नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर नेक्स्ट अपडेट में। बट हाँ यही था अपना पूरा का पूरा पॉपुलैरिटी सिस्टम का अपडेट। अब हम लोग चलते हैं छोटे से हिप्नोटिस्ट की गेम प्ले की और जिसमें मैंने बिना मिनियन बनाए आखिरकार कैसे इतनी जल्दी जीत हासिल कर ली। तो बिना टाइम को वेस्ट करें चलते हैं गेम प्ले की ओर। A few moments later. So basically guys मैं आ जाता हूँ स्पेसशिप मैप पे और हम लोगों को यहाँ पे केमिलियन बाउंटी एंटर और साथ साथ हनी भी जैसे रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और आते ही हनी भी जो है वो मेरे से इस पॉइंट पे अटैच हो जाता है और वाइट मेरा पीछा जकड़ने लगता है, तो मेरे को उस पर थोड़ा बाउंटी एंटर वाला शक जाने लगता है, तो मैं उससे थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करने लगता हूं। और मेरा यहाँ पे किल का कूल डाउन होने वाला है जो कि तकरीबन 5, 4, 3, 2 और 1 सेकंड का रह चुका है, तो मैं यहाँ से जाके उस बंदे को किल कर दूंगा जो भी मेरे करीब मेरे को नजर आएगा। फिर क्या मैं यहाँ से निकल जाता हूँ व्हाइट की तलाश में, क्योंकि हो सकता है कि व्हाइट आसपास ही हो क्योंकि वो मेरे को किल करने के लिए आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तो हो सकता है कि वो मेरे पीछे साइड पे ही हो। और इतने में ही मेरे को हनी भी बूस्ट देता है, बट यहाँ पे अपना पिंग जो है वो इमरजेंसी मीटिंग इस पॉइंट पे बिठा देते हैं और दो बंदे यहाँ पे मर चुके होते हैं। 5 minutes later. वेल गाइस इस वाली मीटिंग में 3 लोग जो है वो नेज़ा को वोट करते हैं। अब देखते हैं क्या नेज़ा इनको बख्शेगा या फिर नेज़ा इन लोगों को जलाकर राख कर देगा। और इसने मेरा काम ज्यादा आसान कर दिया क्योंकि तुम लोगों को अब और भी ज्यादा कम लोग यहाँ पे स्पेसशिप मैप में देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनमें से किसी एक को मिनियन बना लूंगा उसके बाद अगर इम्पोस्टर बचा तो हम लोगों ने मीटिंग बिठा बिठा के बाहर निकलवा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस पॉइंट पे मैं अपने रेड को मिनियन बनाने लगूँ। एंड गेस व्हाट, मैं यहाँ पे अपने रेड को मिनियन बनाने लगता हूँ और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे अपने रेड को मिनियन बनाता हूँ हम लोग इस वाले गेम को जीत जाते हैं और मैं बन जाता हूँ MVP। सो चलो गाइस यही था आज का अपना पॉपुलैरिटी अपडेट का एक्सप्लेनेशन और साथ में साथ अपने हिप्नोटिस्ट का छोटा सा गेम प्ले। अगर तुम लोगों को वीडियो जरा अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।